हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप? और आज हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा पैन के बारे में और सिटी पैन के बारे में। इसमें क्या होता है, हमें इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे कोई उड़ीसा पैन या ये इस तरह से ये जो ये उड़ीसा पैन है, इसको उड़ीसा पैन कहते हैं और इंडियन सीट भी कहते हैं। अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है तो हमें ये उड़ीसा पैन लगाना पड़ता है, और अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पर कोई पैन लगाना है तो हमें सिटी पैन लगाना पड़ता है। सिटी पैन इस तरह से होता है। अब हम इसमें जो सिटी पैन और उड़ीसा पैन है, ये दो चीजें आ जाती है। ये सिटी पैन, ये उड़ीसा पैन है और ये सिटी पैन है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये उड़ीसा पैन है या सिटी पैन है? मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, ये दूरी जिसका जो साइज है, ये आप देख सकते हैं, ये सिटी पैन है। इसका साइज कम रखा गया है ताकि अगर हमारी जो छत का जो लेंटर है उसके साइज के हिसाब से नाप के ये कम रखा गया है, तो उसके लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए ये सिटी पैन का काम करता है। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम जितना मर्जी कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है, तो इसको हम उड़ीसा पैन कहते हैं। इसको लगाने में ग्राउंड फ्लोर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और इसको फर्स्ट फ्लोर में लगाने के लिए बनाया गया है। तो आपने कई जगह देखा है, इतना सा स्टेप बनवाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पर वो उसका साइज ऊंचा ऊंचा हो जाता है, वहां पर आप इस तरह का उड़ीसा पैन लगा सकते हैं। अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं, आप समतल जमीन करना चाहते हैं, फ्लैट करना चाहते हैं, तो आप सिटी पैन की तरफ जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर में भी लगा सकते हैं आप। ये आपको जानकारी इस तरह की है। और ये जो दो मॉडल है ये सैरा कंपनी के हैं, और ये जो उड़ीसा पैन है ये 20 इंची में आता है, और इसके बाद इसका एक और साइज है वो 23 इंची है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइज चुन सकते हैं दोनों। इसका भी जो साइज है ये 20 इंची है, और ये उड़ीसा पैन जो इसका जो MRP है ये 1730 रुपये है, और ये जो सिटी पैन है इसका जो MRP है ये 2525 रुपये है। और जो आपके नियरेस्ट डीलर पे जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम पे, उस डिस्काउंट पर आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था डिफरेंस उड़ीसा पैन और सिटी पैन के बारे में। बाकी आप अगर इसके ऊपर जो भी टैंक लगाना चाहें वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जिस तरह से एक कंपास का टैंक आता है जो ड्यूल फ्लश के साथ आता है, और एक सिंगल आता है जो सिंगल फ्लश के साथ आता है। आइए एक नज़र आपको फिर से दिखा देता हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये है टैंक जो आप उड़ीसा पैन के लिए लगा सकते हैं। और अब जो नए टैंक आ रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहे हैं, और आप खोल के देख सकते हैं। मैंने जैसे पिछली बार बताया था, इसमें ये स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड की वजह से इसको सपोर्ट मिलता है और ये दबता नहीं है, तो ये अच्छी तरह से काम करता है, दबेगा नहीं। और इसी तरह से एक ड्यूल फ्लश वाला भी टैंक आता है, वो मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ। आइए तो फ्रेंड्स, ये है ड्यूल फ्लश टैंक जो आप उड़ीसा पैन के साथ भी लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये इसके साथ लगा हुआ था, तो आप उड़ीसा पैन के साथ भी ये फ्लश टैंक यूज कर सकते हैं। ये ड्यूल फ्लश के साथ है और वाटर सेविंग का काम करता है। जिस तरह से ये देख लीजिए, इसका बटन, ये अगर आप सिंगल, और ये ज्यादा पानी के लिए, कम पानी के लिए यूज कर सकते हैं। इस सैरा का, इसका कंपास नाम है, ये सैरा का मॉडल है, प्राइस मैंने आपको बताया था। और उड़ीसा पैन जब भी आप लगाना चाहें तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से थे इस PWC के फंक्शन और इस टैंक की खासियत, और अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, और आप भी अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी, जल्द से जल्द। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।